गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब बहुत औसम होंगे। तो आज की सुबह होती है यहाँ से शुरू, आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल पानी पानी और प्यारा सा नेचर। तो अब मैं ज़रा जल्दी उड़ गया था आज सुबह, तो फिर मैं यहाँ आया सीधा वॉक पे। तो अब हम यहाँ से चलेंगे फार्म हाउस, तो वो फार्म हाउस भी बहुत औसम जगह है, वहाँ पर भी नेचर की अलग ही लेवल की ब्यूटी है। तो यहाँ पे और थोड़ा मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, एक तो पानी है और ऊपर से नेचर इतना प्यारा है, थोड़ा ठंडा ठंडा काफ़ी है यहाँ पे अभी। तो अब चलते हैं सीधा वहाँ पे, फिर देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। ठीक है, तो लेट्स कम गाइस। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ फार्म हाउस। आप देख रहे होंगे ये रास्ता जो फार्म हाउस की तरफ जा रहा है, एक तो यार चिड़ियों की आवाज़ हर तरफ से सुनाई दे रही है, तो बहुत ही प्यारा ऐसा लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द कोई म्यूज़िक चल रहा होगा। तो देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो चलते हैं। तो यहाँ पे ना एक पार्क हुआ करता था, बट अब थोड़ा सा उस पर घास वगैरह उग गई है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो ये आप पार्क देख रहे हो, ये पार्क था, यहाँ पे एक झूला लग रखा होता था। तो मैंने बहुत सारी औसम पिक्स वहाँ पे क्लिक करवाई हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, ये ट्राली है, पंजाब में ट्रैक्टर्स बहुत चलते हैं, तो यहाँ पे एक ट्राली है। तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो बहुत खिंचवाते थे पहले। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे टैंकी रखी हुई है। तो अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक स्पेशल गेस्ट से, तो वो कहाँ है चलो देखते हैं, ढूंढते हैं। तो हमेशा की तरह हमारा गेस्ट सो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये है हमारा प्यारा सा गेस्ट। हेलो बोल दो ऑडियंस को, हेलो बोल दो। यार ये ना बहुत ही प्यारी डॉगी है, बट ये क्या है, रिलैक्सिंग मोड में रहती है हमेशा, एकदम चिल, मतलब फुल चिल मोड में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको एक, ये देखो कितना प्यारा है बैठने के लिए बना रखा है बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको देसी जिम मिल जाएगा, बॉडी भी बना सकते हो आप यहाँ पे बढ़िया करके। तो अब थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। अब हम मोटर में नहाएंगे, बढ़िया फुल एंजॉय करेंगे, तो कैच करता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो वेलकम बैक गाइस। तो मैंने अभी मोटर स्टार्ट कर दिया है, देख रहे होंगे, तो अभी पानी भर रहा है। तो एक मिनट, यहाँ पे अब नीरज भी आ चुका है। तो अकेला आ गया सामान का, मैं भी आया। तो ये भी आ गया मेरा भाई पीछे पीछे। तो सुन, फ्लफी है यहाँ पे, फ्लफी अंदर है। हाँ, फ्लफी को मैंने अंदर रखा हुआ है। तो मैंने कहा जैसे फ्लफी को मिलवा रखा है आपसे, तो पर नीरज को बहुत पसंद है फ्लफी और वो बहुत मस्त खेलता है उससे। आजा ले आ फ्लफी, फ्लफी 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 फ्लफी। मुझे लग रहा है कि फ्लफी अभी चिल करने के मूड में है, अभी वो उठ ही नहीं रही है, लेजी बहुत है यार वो तो एक तो। पर बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट डॉगी है वो। आ रही है क्या? आ गई आ गई, आ जा फ्लफी फ्लफी फ्लफी। ओ भाई बच गया, मुझे लगा कि फ्लफी ने मुझे बच गए, पर अभी बच गए। आप देख सकते हो फ्लफी को, फ्लफी अब हो गई है रेडी। देख सकते हो आप, मुझे लगता है कि नीरज के साथ बहुत घुल मिल जाती है फ्लफी एकदम से, नीरज को नीरज के साथ बहुत खेलती है यार वो एक तो। फ्लफी 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 फ्लफी, नीरज की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी है वैसे वो अब। पिछली बार जब नीरज आया था तब भी बहुत खेली थी वो नीरज के साथ। नीरज है हैंडशेक करवा इससे। हैंडशेक करेगी आज करेगी, हैंडशेक कर लो फ्लफी फ्लफी, हैंडशेक कर लो भैया से, हेलो कर लो फ्लफी फ्लफी, हेलो कर ले हेलो करो। अभी नहीं कर रही है यार वो, फ्लफी हेलो करो, हेलो फ्लफी, हेलो करो फ्लफी फ्लफी फ्लफी। को थक लग गई है, पानी देता हूँ इसे, पानी लेकर आऊँ? चल मैं पानी लेके आता हूँ, अभी वो थक गई है यार फ्लफी, तो फ्लफी के लिए थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। तो फ्लफी, एक हमारा दानी यहाँ पे भी है प्यारा सा, यार ये ना बहुत उछलता है ये। तो यहाँ पे एक फ्लफी का पुराना पानी रखा हुआ है, पहले हम इसको फेंक देते हैं, इसको थोड़ा सा धो देता हूँ।
फ्लफी 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 भर गया फ्लफी का पानी। तो आ जाओ आप फ्लफी को पानी पिलाते हैं। फ्लफी बेचारी थक जल्दी आती है। ले फ्लफी ले बेटा ले पानी पी ले। ओ फ्लफी अब पानी पी रही है। फ्लफी और पी ले। ये बेचारी थक बहुत जल्दी जाती है। एक तो पी ले बेटा फ्लफी। थक गई यार वो थक गई। तो फाइनली हमने चला रखी है मोटर। तो अभी हम थोड़ी देर में इसमें बिल्कुल फुल एंजॉय करेंगे। पंजाब में बहुत होती हैं ये मोटर वगैरह और फुल मज़ा आता है यार। फुल नज़ारा जिसे बोलते हैं ना, फुल नज़ारा आता है इन मोटर्स में। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और वो जो पेड़ है ना सामने वाला, वो वाला पेड़ यार, उसमें हाई लेवल की अल्ट्रा पिक्स आती हैं। एकदम मस्त वाली पिक्स आती हैं उस पे पेड़ में, क्योंकि थोड़ा वो पेड़ भी थोड़ा वो मतलब एक तरह से ऐसा देखा जाए तो डिज़ाइनिंग तरीके का पेड़ है। आप देख सकते हो इर्द गिर्द यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, देख सकते हो। तो अभी फ्लफी पानी पीते हुए, फ्लफी थक गई थी यार, ये बेचारी थोड़ा सा भागती है और थक जाती है। फ्लफी पानी पी ले बेटा। तो अभी फ्लफी पानी पीती है, तब तक देखते हैं फिर क्या होता है सीन। जैसे फ्लफी थोड़ा सा ठीक हो जाएगी फिर ये अभी हैंडशेक भी करती है। अभी फ्लफी थक गई है तो वो हैंडशेक भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आप यार, मतलब ना फुल ग्रीनरी हो रखी है, हर जगह ग्रीनरी है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा एनवायरनमेंट ना। तो सबसे रिक्वेस्ट है अपने घर में भी मतलब थोड़ा बहुत ग्रीनरी रखिए, गमले वमले रखिए। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी फ़ायदा रहता है, एक तो फ्रेश एयर और साथ ही साथ ग्रीनरी भी मेंटेन रहती है। और बहुत ज़रूरी भी है ये हम सब के लिए ना। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मोटर में नहाने के लिए। तो मोटर में देखते हैं कैसे क्या सीन होगा। मजा तो पूरा आया मेरे को, फुल मजा आता है यार मोटर में। एक तो पहले भी आए रखे हैं ना। हाँ पहले भी हम आए थे। हाँ, गोलू भी था हमारे साथ उस टाइम। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। फिर करेंगे आज। फिर आज रोहित तो आया नहीं क्योंकि वो थोड़ा काम में बिजी था अपना। तो मैं और मेरा भाई तो आ गए हैं। हम तो हर जगह पहुंच जाते हैं। हम तो हर जगह हो जाते हैं भाई। रोहित आज रुका हुआ है। अब राज रोहित भाई रुका हुआ मेरा। तो अब देखते हैं आपको दिखाते हैं फिर कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे पहुँचने के हमने देखा एक बहुत बड़ा पोपड़ हो चुका है। तो सीन ऐसा है कि इसमें जम चुकी थी बहुत ज़्यादा काई। जब हम मतलब मैं उतरा ही था पानी में तो काई हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि वहाँ से खोल देते हैं। तो वहाँ से खोल देते ताकि सारा पानी एक बारी में ही निकल जाए नीचे से। क्योंकि अगर हम वो चीज़ ना खोलते तो यहाँ से फिर निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो हमने खोल रखा है कि भाई सारा पानी निकल जाएगा तो काई सारी हट जाएगी। फिर दूसरा मोटर ऑन करके दूसरा पानी भरेंगे। तो फिर दिखाते हैं आपको गाइस। तो गाइस मैंने अपने छोटे भाई होने का फायदा उठाते हुए बड़े भाई से सारी मोटर साफ करवा ली है। तो अब मैं मोटर चलाऊंगा और फिर नहाएंगे, देखते हैं कि कैसे क्या सीन होता है। तो अब मेरे भाई ने मतलब बड़े भाई का पूरा फ़ायदा उठाया, कहता कि तू छोटा है भाई है तो तू बैठ मैं काम करूंगा खुद। देख रहे हो गाइस आज के टाइम पे भलाई का जमाना ही नहीं है। वो कहता इसलिए तभी तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि तू बैठ मैं कुछ साफ करूँगा। चलो रुक जाओ मैं मोटर ऑन करता हूँ, देखते हैं फिर कैसे क्या सीन होता है। मैंने कर दिया मोटर ऑन, अच्छे से करियो भाई। ठीक है आ गया ये आ गया पानी, पानी भी आ गया भाई। देख अब अच्छे से सफाई करियो, उसके बाद मैं एंट्री मारूंगा मोटर के अंदर। अब ये चल चुके हैं मोटर, अब लगभग साफ हो चुकी है। तो अब हम नहाएंगे इसमें दोनों भाई बढ़िया करके। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली हो चुकी है मोटर साफ। तो अब नीरज जी तो पहुंच चुके हैं वहां पे फन करने। तो देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। चलो मिलते हैं फिर नीरज से।
तो गाइस आज हमें आया मोटर में नहा के बहुत ज्यादा मजा कि मतलब हमने काफी एंजॉय किया और टॉप लेवल वाला जिसे बोलते हैं एंजॉय वो किया आज हमने। तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आज का? यार आज का एक्सपीरियंस ऐसा था कि सुबह से लेके यहाँ पे दोपहर हो चुकी है, फुल नज़ारे लिए हैं और फुल एंजॉय किया है। तो लेके भी कौन आया? बोल रहा है कि लेके भी कौन आया, मेरे पीछे आया भाई फट 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 भाग के। पर आज यार टोटली नज़ारा बहुत मजा वाला मजा आ गया। तो है? मिलते हैं गाइस फिर, वैसे मजा तो पूरा आया है ना कंप्यूटर जी। हाँ कंप्यूटर जी ठीक है, मिलते हैं फिर गाइस थोड़े अगले ब्लॉग में। तो तब तक ले खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या फरीदाबाद रहो। स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके okay.